को वो दिया जा रहा है, मुर्गा दिया जा रहा है, मुर्गा का टुकड़ा मछली को मुर्गा का टुकड़ा दे रहे हैं। ये कौन सा गांव है ये? कैनेडी गांव। कैनेडी गांव। हेलो एवरीवन, हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज हम लोग को निकलना है मुन्नार से एलपी के लिए। तो बस सारा कुछ जो है वो सेट हो चुका है, निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और अभी आपको हम सबसे पहले दिखाने वाले हैं अपने इस रूम के बाहर का जो लुक है वो, ये देखिए। ये जैसे ही हम लोग रूम खोलते हैं तो ये जो है ये है बाहर का लुक, एकदम पीसफुल सा एरिया है। और आपको अलग अलग तरह के पंछी के बोलने का जो साउंड है वो शायद सुनाई दे रहा होगा। और बिल्कुल ही ये बाहर में है, इधर भी थोड़ा गार्डन एरिया काइंड ऑफ, ये मतलब टोटल ग्रीनरी ही है चारों तरफ। और सामने में वहाँ है स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी पूल, जहाँ पर कि हम लोग कल नहाए थे, वो आपको दिखाए थे। अभी जो है वो क्लीनिंग का काम जो है वो चल रहा है। तो ये पूरा रिजॉर्ट का लुक है और उधर भी काफ़ी दूर तक है। अच्छा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे ड्राइवर साहब है वो आ चुके हैं, हम लोगों को निकलना है अभी एलपी के लिए और वो आ चुके हैं। 8 बजे का टाइम था, ऑलरेडी हम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लेट। अभी बज रहा है 8:30 के आसपास। वीडियो अपलोड करने के चक्कर में हो गया सब कुछ दिक्कत और वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया, 1 घंटा समय भी उसमें बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ हमको बस लगा कि नेट का इशू है, नेटवर्क थोड़ा सा, मतलब नेटवर्क तो है प्रॉपर बट नेट स्पीड बहुत स्लो है, ये एक इशू लगा यहाँ पर हमको, बाकी सब परफेक्ट। बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एलएपी के लिए। 6 घंटे का जर्नी है और एक तरह से ये मतलब पता नहीं लास्ट हम कब इतना लंबा कार का जर्नी किए होंगे। लगभग 6 घंटे का जर्नी है यहाँ से एलएपी। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है बट चूँकि हिली एरिया है तो डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब कार स्लो चलता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फिर से इस पुल को होते हुए हम लोग जाएंगे सामने वाला जो बिल्डिंग है और इधर जो सामने का व्यू है ये देखिए क्या खूबसूरत सा ये व्यू है। कल थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा था क्योंकि क्लाउड्स वगैरह था, आज बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिए, सब कुछ कर लिए हैं। आज ब्रेकफास्ट वाला सीन नहीं दिखाया क्योंकि कल ऑलरेडी दिखाए ही थे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं इस वापस से, इसे पोलारिस बोलते हैं शायद, इसी व्हीकल में बैठे हुए हैं और इससे हम लोग थोड़ा सा जो रिजॉर्ट है उसका टूर लेंगे, उसका मेनली वीडियो पर्पज़ से करेंगे, वीडियो शूट करना है रिजॉर्ट का, तो थोड़ा सा इसका टूर लेंगे और हॉर्स राइडिंग की तरफ जाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। वैसे लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लोग का प्लान था 8 बजे निकलने का चॉकलेट फैक्ट्री कवर करने का, बट अब डाउटफुल है कि चॉकलेट फैक्ट्री जो है वो कवर हो पाएगा कि नहीं, लेट होने की वजह से। 10 बज चुका है। हो गया भैया रेडी, चलें? चलिए थोड़ा स्लो स्लो, यस्टरडे बहुत फास्ट, टुडे बिट स्लो। सर पीछे बैठो, बैठिए सर पीछे बैठिए आप। हिंदी आती है आपको? हिंदी मालूम, इनको बहुत शौक था पोलारिस में बैठने का। इसे पोलारिस बोलते हैं ना? पोलारिस। अच्छा, अरे यार धीरे जाना है, तुम और उड़ाइए कर रहे हो। या कंफर्टेबल हो? एक मिनट, ये पकड़ लो, कैमरा पकड़ लो। तो सारा जो शूट था वो कंप्लीट हो गया, राइड कंप्लीट हो गया, हॉर्स राइड कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया और अब हम लोग फाइनली 10:30 में यहाँ से निकल रहे हैं। चांसेस कम है कि चॉकलेट टूर जो था, चॉकलेट फैक्ट्री टूर, वो हो पाएगा, देखते हैं। अगर हुआ तो वीडियो आएगा ही मेन चैनल पे। और फिर यहाँ से 6 घंटे का जर्नी है एलपी का, वहाँ जाएंगे हम लोग हाउस बोट कवर करने के लिए। और अब बस फाइनली हम लोग मुन्नार को कर रहे हैं बाय और यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, जो ड्रीम प्लांटेशन रिजॉर्ट का जो एंट्री वाला पॉइंट था वो आगे में था ना कहीं पे, वो मिस हो गया, उसको रिकॉर्ड करना था, पीछे ही था ना? कितना पीछे है? मोड़ है और के जहाँ पे यू टर्न, हल्के बगल में ही है, हम वॉक करके चले जाते हैं ना, आप छोड़ दीजिए कार। जो रिजॉर्ट था उसका एंट्री पॉइंट हम लोग लेना भूल गए थे, एंट्री पॉइंट का जो बोर्ड है मतलब उसका शॉट लेना भूल गए थे, इसलिए वापस जाना पड़ा और हम लोग अब निकल चुके हैं फाइनली एलपी के लिए। और बस अब मुन्नार को हम लोग बाय कर रहे हैं और बस यहाँ से निकल रहे हैं। और इधर देख सकते हैं मतलब टोटली आपको चारों तरफ यहाँ ग्रीनरी ही देखने को मिलेगा, हर अलग तरह का प्लांट्स वगैरह, कार्डमम हो गया, हर तरह का चीज़ यहाँ आपको मिलता है ग्रो होते हुए। और आगे एक कुछ कोकोआ प्लांट है जहाँ पर, जिस वजह से मुन्नार का चॉकलेट फेमस है क्योंकि यहीं पर कोकोआ जो है वो ग्रो किया जाता है।
अभी हम लोग गाड़ी में हैं और हाउस बोट जा ही रहे हैं, घंटा और अभी डिस्टेंस कवर करना है, उसके बाद हम लोग हाउस बोट पहुँचेंगे। और हम लोग अभी तक केरला में जहाँ भी गए हैं इस तरह का आपको ग्रीनरी मतलब हर जगह यहाँ मिलेगा, कहीं भी आप जाइए इस तरह का ग्रीनरी वगैरह जो है ये सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कोई यहाँ कोई प्रॉपर जैसे मेट्रो सिटीज़ में होता है प्रॉपर टाउन है, शॉप है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा केओस है, वो सब चीज़ यहाँ नहीं मिलेगा। हर जगह पीसफुल, हर जगह शांति और हर जगह ये हरियाली है ना भैया, हर जगह ग्रीनरी रहता है इसी तरीके का। कोची में भी कोची में थोड़ा बिल्डिंग विल्डिंग है बट ये सब जगह पे नहीं है। कोची में हल्का बिल्डिंग वगैरह है बट बाकी इधर कहीं भी वो कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स या इस तरह का नहीं, छोटा छोटा घर, शांति से सब कोई रह रहे हैं और पीसफुल सा हर जगह यहाँ मिलेगा आपको। तो इधर अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, लगभग 5-5.5 घंटे का जर्नी था और अब जो है हम लोग फाइनली लग रहा है कि पहुँचने वाले हैं। ये पानी वानी जो है वो दिखना शुरू हो चुका है तो अब लग रहा है कि डेस्टिनेशन आ रहा है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, एलेप्पी पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि लाइन से ही जो है हाउस बोट्स वगैरह देखने को मिलेगा। सामने में जो है इधर देख सकते हैं लाइन से ही हाउस बोट ये सब है। तो जो हम लोग जो हाउस बोट को बुक किए हैं वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर और फिर वो लोग लेकर जाएंगे। बट यहाँ देखिए लाइन से ही बैक वाटर है और यहाँ लाइन से ही आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस बोट देखने को मिल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, चले फिर हम लोग अभी जाएंगे क्या? लेट हो गया नहीं, थोड़ा 5 बजे तक ही रहता है आप बता रहे, बहुत लेट हो गया ना ही लग गया ना थोड़ा, ये रोड भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, बहुत इधर टाइम लगाने में। ग्रीन एंड ब्लू दिस वन एंड ओनली दिस वन अपर थ्री बटन को डोंट डू इट दिस इज टू लेट या हां 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 ओके जाएगा तो बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने हाउस बोट में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कुछ करने वाले हैं। सो अप टिल व्हाट टाइम इट्स अलाउड टू बी इन दैट बोट? नॉर्मली दोपहर को 12 बजे का चेक इन टाइम है। 12 o'clock इज द चेक इन टाइम। या 12 o'clock इज द चेक इन टाइम। 12 बजे से शुरू करके ठीक है शाम को 5 बजे बोट एक जगह पे हॉल्टिंग करते हैं। अच्छा 5 बजे जो है आप लोग का हॉल्ट करने वाला टाइम हो जाता है। और हम लोग तो पहुँचे ही है 5 बजे। 5 बजे पहुँचेगा, 5 बजे बोट हॉल्टिंग रहेगा, दूसरा दिन 8 बजे वापस शुरू करके। अच्छा 8 बजे मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। 8 बजे वापस बोट शुरू करके। अच्छा तब तो ठीक है। 9 बजे वापस इधर ही आपको छोड़ देते हैं। 9 बजे मॉर्निंग में। 9 बजे मॉर्निंग इधर ही छोड़ देते हैं। हाँ फिर ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा भी घूम नहीं सकते हैं? अभी थोड़ा घुमाएंगे क्योंकि इतना लेट हो गया, थोड़ा सा क्रूज देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। नॉर्मली इस गवर्नमेंट रूल इज ऑल द क्रूज हैज टू मेक क्रूज अंटिल 5 o'clock। अच्छा ये गवर्नमेंट का रूल है यहाँ पे। इट्स अ रूल ऑफ गवर्नमेंट। द पोर्ट इज मेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट नो। पोर्ट दे आर मेकिंग द रूल। इसी पे जाना है डायरेक्टली? ओके ओके। तो ये अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं अपने हाउस बोट में और ये देखिए ये है हाउस बोट। ये लगता है प्रॉपर ये जो सिटिंग स्पेस है वो है ड्राइंग रूम काइंड ऑफ। और बाकी सामने टीवी ये सब भी है, सारा कुछ मतलब हर तरह का फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा यहाँ। और इधर जो है ये टोटली पानी वानी है। नेक्स्ट थोड़ा सा अंदर का देखते हैं। ये इधर हो गया एक बेडरूम, ये वॉशरूम है। अच्छा ये हो गया बेडरूम, वाह। इधर हो गया बाथरूम। लाइट नहीं है, सिस्टम होगा। लाइट लाइट ऑफ। और इधर जो है ये हो गया ये फ्रंट एंड है। यहाँ पर जो किचन वाला एरिया है ये है। तो ये देख के अगर लग ही नहीं रहा है कि हम लोग किसी बोट में है, लग रहा है प्रॉपर घर में है। इधर देखिए ये पानी वानी है
तो टोटली लग रहा है कि हम लोग किसी घर में हैं। तो हम लोग टोटली सेटल हो चुके हैं, इस हाउस बोट में शूट भी कर लिए हैं जो अपने मेन चैनल के लिए शूट करना था। अब थोड़ा जाके रिलैक्स हुए हैं यहाँ पे, और लंच तो कर लिया, लंच खाते हुए दिखाए नहीं। इधर जो है अब प्रॉपर एसी वैसी भी चलना शुरू हो गया, थोड़ा सा गर्मी हो रहा था। जो है ये किचन में खाना बन रहा है, इधर अलग अलग वैरायटीज़ बन रहा है, कुछ वेजिटेबल है, दाल वाल है, और इसके अंदर जो है ये है चिकन। अभी आपको थोड़ा सा चिकन दिखाते हैं, और इसका जो पूरा डिटेल्ड रेसिपी है ये हम लोग के मेन चैनल पर आने वाला है। इधर जो है ये हमारे लिए स्पेशल सा ये चिकन, केरला स्टाइल का चिकन बनाया जा रहा है। और इधर जो है ये हो गया पहाड़ का लुक, और यहीं पर जो है ये बोट जो है ये पार्क किया गया है। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट यहीं पे पार्क किया गया। ये देखिए सामने में, इधर थोड़ा सा बाहर इस पर हम लोग को वॉक करना होता है। ये है पानी, एक हल्का सा ऐसे सेटअप रखा गया है उधर जाने के लिए, और ये है इधर आ गए। ये देखो वो इलेक्ट्रिसिटी इधर से आ रहा है। अच्छा, इधर से इलेक्ट्रिसिटी आता है, ऊपर देखो तार से। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर से इसको कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, तभी एसी वैसी चल पा रहा, नहीं तो बैटरी से तो एसी चलेगा नहीं। ये कौन सा गांव है ये? ये कैनेरी। कैनेरी गांव? कैनेरी गांव पंचायत कैनेरी। अच्छा, इसी में फिशिंग करते हैं। कैनेरी पंचायत। और रात भर जो हमारा बोट है वो यहीं पर पार्क किया हुआ रहेगा। मॉर्निंग में 8 बजे यहाँ से जो बोट है ये निकलने वाला है। क्या हुआ, मछली पकड़ने का क्या हुआ? भाग गया भैया, अभी नहीं पकड़ पाइएगा मछली? नहीं मिला अभी। ट्राई किया था? ट्राई कर रहा था। मछली को वो दिया जा रहा है, मुर्गा दिया जा रहा है, मुर्गा का टुकड़ा। मछली को मुर्गा का टुकड़ा दे रहे। तो अभी आ चुके हैं अपने रूम में, और इसी रूम में आज हम लोग रहने वाले हैं, यहीं पर आज सोने वाले हैं। और फुल्ली एयर कंडीशन रूम है, तो 2 बेडरूम है, दोनों में हम लोग दो लोग आज सोएंगे आराम से। ख़त्म करते हैं वीडियो को, कॉमेंट कीजिए ना भी कीजिए, चलेगा ऐसे भी, इससे व्यूज़ नहीं आता है। थैंक